नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है नवी मुंबई प्रोजेक्ट्स चैनल में। आज मैं कवर करने वाला हूँ एरोली काटाई टोल नाका एलिवेटेड ब्रिज, जो 12 किलोमीटर के आसपास है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैंने बहुत मेहनत करके बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज इकट्ठा करके इसकी करंट सिचुएशन बताई है थ्रू गूगल मैप। तो यह है उसका 3D मैप, जहाँ एरोली का जो ब्रिज ख़त्म होता है वहाँ से ये रैंप अप होता है और थ्रू द एरोली नाला इट विल कनेक्ट टू बेलापुर, ठाणे बेलापुर हाईवे, जहाँ पे रैंप अप और रैंप डाउन है। वहाँ से आगे जाने के बाद MIDC रोड के यहाँ पे भी एक रैंप अप रैंप डाउन है। वहाँ पे फिर वो ये जाएगा एक टनल में, टनल के बाद वहाँ पे मुम्बरा में ये आउट हो जाएगा और कनेक्ट होगा NH4 को, जो है सायन पनवेल हाईवे। वहाँ से आगे लोधा पलावा के अंदर से ये कनेक्ट होगा काटाई नाका को। तो ये है रैंप अप, इसका एक्चुअल लोकेशन का फ़ोटो मैंने डाला है जिससे आपको पता चले। ये 3D डायग्राम है जो अवेलेबल है। तो ये एक्चुअल लोकेशन एक ब्रिज है, ये ब्रिज के यहाँ नीचे का मैंने एक लोकेशन अपलोड किया है जहाँ से ये रैंप अप होने वाला है। यहाँ पे ये रैंप अप होगा, इसके लेफ्ट में उतरेगा और राइट साइड में चढ़ेगा। फिर यहाँ पे ये गूगल मैप के थ्रू मैंने दिखाया कि ये कैसे एरोली में जाता है। एरोली में एंटर करते वक्त इसका अभी तक आप ये साइड में काम चालू नहीं हुआ है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपको दिखेगा, देखो राइट साइड में मंदिर है विश्वेश्वर लाबी सलून लिखा है, वहाँ से रैंप अप और रैंप डाउन है। यहाँ से ये लेफ्ट लेगा क्योंकि आगे बहुत ट्रैफिक रहता है। तो यहाँ से राइट साइड में हॉरिजन स्कूल है, स्कूल के सामने एक एरिया है, वो एरिया भी मैंने कवर किया है जहाँ से ये ब्रिज जाने वाला है। ये हॉरिजन स्कूल के सामने बड़ा रोड है, रोड के थोड़े साइड से ही ये ब्रिज जाएगा। ये देखो साइड लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा ग्रीनरी है, नारियल का पेड़, ये पेड़ के साइड से ये रोड जाएगा। देखिए यहाँ से जाएगा आगे टूवर्ड्स एरोली ब्रिज। तो थोड़ा आगे मैंने फिर से गूगल मैप कवर करके यहाँ का एरिया मैंने थोड़ा एक वीडियो के ज़रिए दिखाया, वो वीडियो में प्रॉपर दिया गया है कि कौन से लोकेशन से जाने वाला है। तो इसका भी वीडियो देखिए, यहाँ का ये लोकेशन है। ये ब्रिज, ये रास्ते के साइड से ब्रिज जाएगा, पिलर्स रहेंगे जो ये एरोली ब्रिज से निकलेंगे और टूवर्ड्स कनेक्ट होंगे जहाँ पे ये वीडियो शूट हो रहा है वहाँ पे। देखिए बहुत अच्छा व्यू है, रास्ते के साइड बाय साइड से ये ब्रिज जाएगा जो आगे कनेक्ट करेगा बेलापुर ठाणे रोड को। तो बीच में बहुत सारे एरियाज है, जो नाला है वहाँ का भी वीडियो मैंने अपलोड किया है जहाँ पे ये कनेक्ट होने वाला है, वहाँ पे विसर्जन घाट भी है। तो यहाँ से ये गूगल मैप के हिसाब से ये सीधा जाता है टूवर्ड्स एरोली। एरोली का भी ये जो सूर्योदय पॉइंट है इसका भी मैंने वीडियो कवर किया है जहाँ से ये ब्रिज जाने वाला है। इसका एरियल व्यू है जहाँ पे पिलर्स बनने वाले हैं, इसका काम अभी तक चालू नहीं हुआ है। ये पूरे एरिया के इसको विसर्जन घाट भी बोलते हैं। तो इसके आगे से ही सामने से ही ये ब्रिज जाएगा एज़ पर द मैप और कनेक्ट होगा ठाणे बेलापुर रोड को। ये आगे ये जो नाला आ रहा है वो नाला एक रोड के साइड से आ रहा है, इसको मीनाताई ठाकरे रोड भी बोला जाता है। तो ये वीडियो मैंने कवर किया है थ्रू गूगल मैप। तो इसके जस्ट साइड से ये अच्छा व्यू है, यहाँ से ब्रिज जाएगा जो आगे देखेंगे हम लोग गूगल मैप में ये कैसे जा रहा है। देखो यहाँ से ये जा रहा है, ये रोड प्रॉपर यहाँ से ये नाला दिख रहा है, ब्लू कलर ब्लैक कलर का पानी है। वहाँ से यहाँ पे यूरो स्कूल है एरोली का, इसके साइड से नाले के अंदर से ब्रिज जाएगा, सीधा सीधा जाएगा। राइट साइड में सीवेज है, पानी का टाकी है, आगे MCH का हॉस्पिटल है। तो ये साइड से पानी के नाले के ऊपर से प्रॉपर जा रहा है। तो यहाँ का मैंने फ़ोटो भी कुछ अपलोड किया है कैसे यहाँ पे रैंप अप और रैंप डाउन होने वाला है वो ब्रिज का, जैसे कि वो मुमरा से आएगा ये साइड में अपने बिलावर साइड। देखिए यहाँ पे प्रॉपर लेफ्ट राइट ऑरेंज कलर में रैंप अप और रैंप डाउन दोनों दिया गया है। ये जो गार्डन है, गार्डन के जस्ट पीछे ब्लू बैरिकेड है, वहाँ से ब्रिज जाएगा, वहाँ पर नाला है। ये अपना हार्बर लाइन का, ट्रांस हार्बर लिंक का रेलवे लाइन है, इसके ऊपर से ब्रिज जाएगा। ये हाईवे के जस्ट राइट साइड से ब्रिज जाएगा।
देखो ये अंदर का एक्चुअल फ़ोटो है, लगभग 8-10 महीने पुराना फोटो है, फिलहाल लॉकडाउन है इसलिए फ़ोटो अवेलेबल नहीं है। तो देखो ये सीमेंट्स के यहाँ से ब्रिज का पिलर्स है, जिसका मैंने ट्राई किया है जितना होगा उतना कवर करने का, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट अलाउड भी नहीं है और मैंने गूगल मैप से निकाला है कि ऐसे ही सीधा जाएगा। देखो यहाँ पे गर्डर्स डाले गए हैं, ऐसे ही सीधा ये जाएगा। सीधा 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 ये सब पिलर्स है, पूरा एलिवेटेड है। ये MIDC का एरिया है, BMIDC का इंटरनल रोड भी आएगा 3x3 लेन का, जहाँ पे और एक रैंप अप और रैंप डाउन है। देखो ये सेंट्रल रोड है, ये MIDC रोड है, यहाँ पे भी एक रैंप डाउन और रैंप अप दिखने वाला है। और यहाँ से ये आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक्चुअल लोकेशन का फ़ोटो भी मैंने कुछ अपलोड किया है। तो कंस्ट्रक्शन का चल रहा है काम बहुत तेज़ी से, यहाँ पे 2 टनल्स है, इसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया है। देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो मैं डाल रहा हूँ, इसमें प्रॉपर दिखाया गया कि ये एक्चुअल लोकेशन कैसा दिखता है फ़ोटो में, और आगे कुछ वीडियो है, वीडियो में भी उसका लाइव लोकेशन अपलोड किया गया है, जिसमें दिखता है कि ट्रक है, 2 टनल्स है, एक जाने के लिए एक आने के लिए, 3x3 लेन्स के पारसिक टनल बोलते हैं इसको। ये अंदर से फ़ोटो है 1 साल पुराना, और इसका भी लाइव लोकेशन हम लोग दिखाएंगे कि पहाड़ के यहाँ से ये कैसे दिखता है गूगल मैप पे। देखो पहाड़ के अंदर से पूरा टनल है, और यहाँ पे मुमरा में, यहाँ पे पहले वाटरफॉल था, उसको उसकी साइड से ही ये ऐसा निकलता है। देखो यहाँ पे कुछ ट्रक्स खड़े हैं, GCB है जिससे काम चल रहा है। अभी काम बहुत हो गया होगा, ये थोड़ा पुराना फोटो वीडियो है गूगल मैप पे। सीधा जाएगा यहाँ पे कनेक्ट करेगा NH4 को, सायन टर्मिनल हाईवे पुराना है उसका, NH48। तो मैं अभी दिखाने वाला हूँ ऊपर से गूगल मैप से, ये रुदा पलावा सिटी के बीच में से जा रहा है, जो आगे जाके कनेक्ट होगा बदलापुर पाइपलाइन रोड पर, जिसको काटी नाका बोलते हैं। अभी पहले टूल नाका था, चेक नाका। तो यहाँ पे जैसे रैंप अप होने वाला है, उसका भी मैंने एक वीडियो डाला है, देखिए यहाँ पे ऐसे रैंप अप होगा और ये ब्रिज टूवर्ड्स उधर जाएगा, और नीचे का ब्रिज लेफ्ट और राइट डुम्बीडी और चिलपाटा की तरफ जाएगा। ये गूगल मैप के हिसाब से देखो ये रोड है, जाता है लुदा पलावा के कासाबेला के बीच में से, इसका एक्चुअल फ़ोटो है ये, इसके बीच में से ये रोड जा रहा है, नदी दिख रही है उसके बाजू से जाता है डायरेक्ट टूवर्ड्स, और पहाड़ दिख रहे हैं पार्सिक हिल्स वहाँ पे। तो यहाँ पे काम इतना कुछ नहीं चल रहा है, जस्ट टनल का काम जोर से चल रहा है। यहाँ से ब्रिज ऐसे सीधा जाएगा देसाई खाड़ी से लेफ्ट से, भी यहाँ पे यह टर्न लेगा, पूरा ग्रीनरी है ना, इसके बीच में से जा रहा है। देखिए यहाँ पे सामने अलसफा मस्जिद और रिलायबर मोटर से, उसके ऊपर से ब्रिज जाएगा डायरेक्ट कनेक्ट। ये मुमरा है, वहाँ पे भी एक ब्रिज का काम चल रहा है, और एक टैंक के राइट साइड में, यहाँ से ये आगे ऐसे सीधा जाएगा पिलर्स और पार्सिकल्स में कनेक्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।